hey guys hi once again we are back with another set of five questions uh five huh, okay. so guys uh don't forget to subscribe and if you have any doubts then sona singh biology uh, you can post doubts there i'll i'll upload the solutions or concepts uh, on the youtube or anywhere else okay Chalo. let's start solving the questions and guys one more remember um uh, we, we are discussing concepts as well so i would encourage you to you know सिर्फ आंसर uh, मत देखना कॉन्सेप्ट भी देखना एंड दैट इज़ वॉट इज गोइंग टू हेल्प यू ठीक है सिर्फ अगर आंसर देख के फटाफट फटाफट -फटा -फटा ले निकल गए तो फायदा नहीं होगा ठीक है क्वान्टिटेटिव कैरेक्टर इज इन्फ्लुएंस क्वान्टिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है भाई नाउ क्वान्टिटेटिव कैरेक्टर का मतलब है ऐसा कैरेक्टर जो मल्टीपल जीन्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी जीन्स आर यस सो इट्स लाइक गाड़ी आएगी या नहीं आएगी विल यू बाय अ कार इन दिवाली हाउ डज इट डिपेंड ऑन ओनली वॉट यू से और दीदी सेज और मम्मी सेज और पापा सेज नो इट डिपेंड्स ऑन वॉट एवरी वन इज सेंग राइट सो इट एंड सॉर्ट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल आर सेंगेस सो दादी से इज येस मम्मी से इज यस पापा से इज येस भैया से इज यस एवरी वन इज सेंग येस बिंगो राइट ओनली थ्री पीपल आर सेग दिन बाइक ओके मे बी वी शुड नॉट बायू नो मरसिडीज वी शुड नॉट बाय मर्सिडीज वील बाय होंडा विल बाय होंडा ओनली यू आर सेंग कि नहीं नहीं पापा कार तो ले लो दैन पापा अच्छा ओनली यू वॉन्ट अ कार लेट मी बाय टाटा नैनो टाटा नैनो खरीदते काम चल जाएगा राइट सो विच

सम उन्ट बी एट मीटर्स बी सिक्स मीटर्स ऐसा नहीं होगा कि आधे इंडिविजुअल टेन मीटर्स आधे इंडिविजुअल सिक्स मीटर्स नो दिस इज क्लासिकल मेंडलिज्म दिस इज क्लासिकल मेंडलिज्म क्वांटिटेटिव मतलब इट वैरिज इन्फ्लुएंस बाय एडिटिव इफेक्ट एडिटिव इफेक्ट मतलब ये ठीक है कि जितने लोग हाँ बोलेंगे उस हिसाब से गाड़ी वैसी आएगी ओके सो चार जीन्स हैं रिमेंबर जीन्स नॉट अलीरस सो लेट दैम सिंपली राइट दैम ए बी सी डी चार जीन्स की एक एक कॉपी लिख दिया ये डोमिनेंट अलील्स होंगे ए बी सी डी याल्स होंगे ठीक है हाउ मेनी फिनोटेपिक कैटेगरीज आर एक्सपेक्टेड इन दी प्रोजीनी ऑफ अ टट्रा हाइब्रिड क्रॉस वंस अगेन आई विल रीट रेट माई पॉइंट कभी काल आईओ क्यूबी के क्वेश्चन इसलिए हार्ड होते हैं क्योंकि उनका लैंग्वेज क्लियर नहीं होता ठीक है तो पूछा गया है टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस आप इन सारी जीन्स को देख रहे हो यानी यू स्टार्टेड योर क्रॉस विथ ए ए बी बी सी सी डी डी दिस इज इंडिविजुअल नंबर वन ए ए बी बी सी सी डी डी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी तो इसका गैमिट क्या बनेगा ये पेरेंटल जनरेशन थी इसका गैमिट क्या बनेगा वॉट वुड बी दैमीट ए बी सी डी है ना एक ही तरह का कैमिट बन सकता है दिस वुड बी ए बी सी डी वॉट बी बिग ए ए स्मॉल 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 बिग 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 बी बी सी सी डी स्मॉल डी अब अगर ऑप्शन में वन होता तो आप बोलते सर एक ही तरह का तो बनेगा फिर फिर तो मतलब देर इज ओनली दिस पॉसिबिलिटी है ना दिस बी जस्ट वन फी नो बट ऑप्शन में वन नहीं है इसका मतलब है आपको अज्यूम कर लेना है कि हम एफ वन का सेल्फिंग करा रहे हैं राइट यानी दे आर आस्किंग यू अबाउट एफ टू बट नहीं बोला ना क्या करें सो so, अब क्या क्या गैमिट्स आ सकते हैं ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आदि है बट अब आपको जाके गैमिट फॉर्मेशन नहीं करना वॉट यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट वॉट इज द पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी ये हो सकता है आठ अलील्स है ना एक पॉसिबिलिटी होगी सारे के सारे डोमिनेंट होंगे एक पॉसिबिलिटी क्या होगी सिर्फ सेवन डोमिनेंट्स होंगे है ना एक क्या होगा सिर्फ सो यू कैन कीप ऑन सब्सट्रैक्टिंग देम। एट सारे पॉसिबल सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो जीरो का मतलब ऑल रिसेसिव। जीरो का मतलब All recessive. तो टोटल काउंट कर लो कितने हो गए टोटल नाइन फिनो टाइप पॉसिबल होंगे so your answer should be तो थोड़ा सा वैसे सोचना पड़ेगा आपको फ्रैगमेंट ऑफ डी एन ए मॉलिक्ला द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्राइमर प्राइमर क्या होता है अगर आप में से कोई भूल चुका है तो मैं याद दिला दू डीएन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम और थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम ये थ्री प्राइम फाइव प्राइम अगर कोई भूल चुका है तो वो भी मैं याद दिला दू डीएनए स्टैंडर्ड ठीक है डी एन ए डबल स्टैंडर्ड होता है डी ऑक्जीराइबो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है अगर ये आपका शुगर है डी ऑक्जीराइबोज है तो इसका फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा होता है थर्ड कार्बन पे आपका ओ OH एच जुड़ा होता है दैट इज वाई यू हैव अ फाइव प्राइम एंड एंड यू हैव अ थ्री प्राइम एंड ये अगर स्ट्रैंड नंबर वन है तो स्ट्रैंड नंबर टू में इसका जस्ट उल्टा होगा फाइव प्राइम इधर थ्री प्राइम इधर इसीलिए हम बोलते हैं कि डी एन ए इज एंटी पैरल एंटी मतलब उल्टा ठीक है यही फर्क है इसमें नाउ अब डीएनए को हमें पढ़ना है सबसे पहले उसे खोलना पड़ेगा आपको याद होगा हेलीकेज इंजाइन खोल देगा बट आप जो नया एड करोगे उसके लिए यू नीड समथिंग एज अ स्टार्टर मॉलिक्यूल ठीक है क्योंकि नया बॉन्ड्स आप इधर ही बना सकते हो राइट सो योर क्रिएशन ऑफ द डी एन ए कॉपी विल ऑलवेज प्रोसीड इन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन राइट फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन ही हमेशा काम करेगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज बिफोर डीएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड एंड स्टार्ट वर्किंग इज अनदर एंजाइम दैट एड्स शॉर्ट आरएनए सीक्वेंस इधर भी और इधर भी दिस आर एन ए सीक्वेंस इज अ प्राइमर इसी को कहते हैं प्राइमर और आपने गैस कर लिया होगा एंजाइम का नाम क्या होगा प्राइमेज ना डी एन ए हो या आर एन ए हो इट हैज टू फॉलो कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल्स कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल्स चार्ज ऑफ रूल ए गोज विध टी यूजिंग डबल बॉन्ड जी गोज विद सी यूजिंग ट्रिपल बॉन्ड राइट अब इसी को लगा दो बस यहाँ पे राइट right? अब देखो इस वाले स्टैंड में इधर जाना है इस वाले स्टैंड में इधर जाना है सो फाइव प्राइम एंड फाइव प्राइम तो इसका सोचो क्या होगा जी सी सी टी का यू है ना क्यों क्योंकि आर एन ए की बात कर रहे हैं ना जी सी सी यू हो गया इसका देखो इधर से क्या होगा फाइव प्राइम तो टी आर टी ए टी जी टी ए टी जी ये देखो इधर मिल गया आपको बस ये हो गया आपका आंसर ठीक है तो यही आपको ढूंढना था बस ओके अ प्योर टॉल पी प्लांट विजरी पॉर्ट इज क्रॉस विथ डॉफ पी प्लांट विद टर्मल पॉर्ट्स वंस अगेन डार सॉरी मेंडल आपको याद दिला दूँ अगर आप मैं भूल भूल चुके हो कि दे आर दे डाफ इन कंसिडर सॉरी मैंडल कंसिडर्ड सेवन कैरेक्टर्स पॉड किधर है एक्जिल का मतलब होता है अगर ये ब्रांचेज हैं तो दिस इज द एक्सल टर्मल का मतलब होता है ये इधर फूल खिलेंगे ठीक है तो फूल का पोजिशन ठीक है तो एक्सिलरी पॉड्स जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं आपके राइट right? और आपका जो टर्मिनल होता है ये recessive होता है तो क्रॉस विद टर्मिनल आपका एफ वन विल बी क्योंकि इज विल बी एक्सिलरी F1 के बाद इसको सेल्फिंग करा दोगे okay? तो इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे मोनोहाइब्रिड नहीं डाईहाइब्रिड क्रॉस है तो अभी तक हमने जो नहीं इंक्लूड किया था वो भी इंक्लूड कर दो ये तरीका गलत है बेटा लिखने का मैं पहले बता दे रहा हूँ बट अभी चल जाएगा बट फिर भी मैंने ऐड कर दिया चलो ठीक है और लिख ही लेते हैं क्या एफ टू में अब आप, आपको पता है आई एम सॉर्ट ऑफ एज्यूमिंग आप मैंडल समझ चुके हो सो so, uh, क्या क्या आपको चार फिनोटाइप्स मिलते हैं सो एक्जिलरी टॉल नाइन और अगर आपको याद होगा क्लासिकल डाई हाइब्रिड मेंडल इन रेशियो नाइन थ्री थ्री वन एक्जिलरी टॉल वुड बी नाइन एंड देन टर्मिनल डोर फुड बी वन ये दोनों आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन होते हैं एंड जो बच गए ये आपके रिकॉम्बिनेंट्स हैं आपको याद होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉटमेंट के कारण दीज आर रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट बोले तो क्रोमोजोम की हेराफेरी हो चुकी है राइट right? तो आउट ऑफ सिक्सटीन आउट ऑफ सिक्सटीन आपका दस लोग पेरेंटल हैं तो टेन आउट ऑफ सिक्सटीन पीपल टल तो टोटल कितने लोग हैं फोर्टी एट है ना विच नॉट ट्रू अबाउट आर जनरली लिपिड मॉलिक्यूल्स राइट दे फॉर्म वाटर प्रूफ कोटिंग बिकॉज लिपिड है ना हाइड्रोफोबिक होगा बिल्कुल सही बात है आपको नॉट अ ट्रू ढूंढना है दे हैव प्रूफ आर लिंक टू ग्लीसरॉल वॉट इज ग्लीसरॉल ग्लीसरॉल इज एन एल्कोहॉल थ थ्री ओ एच ग्रुप फूफा वॉट इज फूफा थोड़ा सा जगह कम हो रहा है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड अनसेटेड पॉली अब यह नाम सुनकर घबराना नहीं है फैटी एसिड क्या होता है कार्बन 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 लास्ट में सीओ एच अनसेटेड का क्या मतलब होता है डबल बॉन्ड पॉली का क्या मतलब होता है दो डबल बॉन्ड तीन डबल बॉन्ड चार डबल बॉन्ड तो पॉली अनसेटेड फैटी एसिड राइट अब यही सी ओ ओ एच जो है आपका ग्लिसरॉल के ओ एच ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है एच टू ओ बाहर जाएगा एज यू कैन अंडरस्टैंड तो चलो एच टू ओ को बाहर लेके जाओ एच टू ओ बाहर चला गया तो सी ओ ओ सी बॉन्ड बन गया आपका राइट तो दिस इज वॉट हैपन्स इन फॉर्मेशन ऑफ ट्राईसाइल ग्लिस्रॉल आपका सॉरी एक ग्लिसरॉल में तीन हो एच तीन फैटी एसिड्स जुड़ जाते हैं सो दैट्स करेक्ट दे प्रोटेक्ट द ईयर कनाल दैट इज ऑल्सो ट्रू वाई बिकॉज वेल ईयर कनाल में आपके जो डेड सेल्स होंगे एंड एवरीथिंग दे वुड बी देयर तो थोड़ा सा साउंड बैलेंसिंग वगैरह वगैरह में हेल्प होता है दे प्रोटेक्ट पाइन नीडल्स फ्रॉम एसिड रेन नॉट एट ऑल लिपिड है बेटा It, that doesn't mean that it can't be... If you use a little kitchen knowledge, you uh, That's, uh, uh, you know, neem shakti wala sabun, nur, Vimbar, whatever, right? So they are, they're all slightly acidic because they can cleave these bonds, right? So they protect... No, they don't protect from acid rain. If a gene needs to be introduced in a plant, the expression vector has to be... Expression vector is generally a carrier... ऑफ़ द जीन दैट यूट टू इंसर्ट एक्सप्रेशन मतलब आफ्टर दिस थिंग वट एवर इट इज गोज इन टू द सेल दैट यूटेड टू बी ट्रांसफेक्टेड वहां जाके इट शुड हैव इट्स एबिलिटी टू गेट ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड सेंट्रल डॉग अब एक्सप्रेशन व्यक्ति ज्यादातर स्पेसिफिक होते हैं क्यों क्योंकि मैच uh, होना चाहिए राइट right? क्योंकि हर तरह के जेनेटिक एलिमेंट्स को हर सेल नहीं कर सकता uh, जैसे कुछ कुछ सेल्स होते हैं जो ग्लाइकोफैलेशंस और अदर पोस्ट ट्रांस ट्रांसलेशनल मोडिफिकेशन कर सकते हैं तो दिस इज स्पेसिफिक तो प्लांट में वी यूज़ टी आई जो एग्रो बैक्टीरियम फेशंस इसका यूज़ करते हैं आजकल हालांकि वी हैव ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग सम वायरल थिंग्स लाइक टी एम बी टोबैको मोजाइक वायरस का भी यूज़ करने लगे बट टी आई प्लास्टम एग्रोबैक्टेरियम uh, ट्यूम का एक्चुअली एक लॉन्ग रिलेशनशिप uh, रहा है प्लांट से सो दे ऑलवेज हैव दीज वायरसेस ऑलवेज यू नो आर यूज टू इन्फेक्टिंग दी प्लांट्स एंड यू नो सेंड देयर जीन्स फॉर्म अ ट्यूमर इन प्लांट्स सो दैट इज़ वाई वी जस्ट हार्डनेस्ट वॉट नेचर ऑलरेडी वॉज डूइंग एंड फॉर आर पर्पजेस वो पहले भी अपने जीन्स भेजता था बट अब जो है हम उसमें उस अपने डिजायर्ड जीन्स ले जाके भेज रहे हैं ठीक है चलो सो विद दिस हमारा ये पेज भी खत्म हो गया गाइज आई होप दीज वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू इफ दे आर मी नो डाउन इन दॉमेंट्स एंड डाउट्स सोना सिंह बायोलॉजी लाइक करना मत भूलना शेयर विथ यर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल थैंक यू टेक केयर बाय